subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साकेत के कोर्ट लिया है इस प्रकार, और यहाँ पे हमारे 112 वाले सभी जितने भी सेवा देने वाले जो हमारे बड़े भाई हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन। और यहाँ पे आमंत्रण दिया है बिलासपुर की टीम ने भिलाई को कोर्ट लेके, टांसी के कोर्ट लिया और आमंत्रित किया है कि आप आए अपना जोहर दिखाएं। काफी खूबसूरत यूनिफॉर्म यहाँ पे देखा जा सकता है, स्टाफ से नियम कायदे जी एसएससी बिलासपुर के कोच अपनी टीम के पास पहुंच जाए। रास्ता थोड़ा सा रास्ता भैया रास्ता छोड़ देंगे जी, थोड़ा सा रास्ता छोड़ देंगे आपके लिए, सीट बनी हुई है आप उसमें आराम से बैठें। मैच भाड़ी का बिलासपुर स्वर्थ भिलाई के बीच ये मैच बिलासपुर डाटिस के पहले कोर्ट लिया था इस प्रकार आमंत्रित किया है। तो यहाँ पे एक नंबर के जर्सी पे भिलाई की नारी शक्ति जाती हुई वहां पे और जबरदस्त तरीके से, मगर पॉइंट रुका हुआ यहाँ पे। अब बिलासपुर की नारी शक्ति अच्छा जबरदस्त तरीके से वहां पे जी एक पॉइंट यहाँ पे निश्चित रूप से निर्णायक महोदय ने अपना इशारा बताया। पुनः भिलाई की नारी शक्ति जाती हुई रेट के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बिलासपुर ने एक माहौल बनाया है। अब बिलासपुर की ओर से चार नंबर के जर्सी पे जाते हुए रीडर फर्स्ट कॉलिंग टू एंड आई, मतलब इसमें पॉइंट लेना होगा निश्चित रूप से। यहाँ पे दो पॉइंट जी का मतलब जो होता है कि जी करो परिस्थिति, इसमें अगर आप रेट पे जाते हैं तो आपको पॉइंट लेके ही आना है, वरना अगर आप पकड़े जाते हैं तो दो पॉइंट टीम को प्राप्त होगा। बहुत अच्छा यहाँ पे इस प्रकार कंटिन्यू पॉइंट पे बिलासपुर की टीम। और जबरदस्त तरीके जी हाँ बिलासपुर ने एक अपना अलग जलवा यहाँ पे जोहर जो कहते हैं बना के रखा है, पुनः भिलाई रीड के लिए तो यहाँ पे स्लिप हुए और अपना नियंत्रण खोया 10 नंबर के जर्सी पे। फिर से बिलासपुर 4 नंबर जर्सी और जबरदस्त तरीके से ये देखिए दो पॉइंट यहाँ पे प्राप्त किया बिलासपुर। पुनः भिलाई की ओर से यहाँ पे आउट करने का एक मौका और जबरदस्त तरीके से आउट यहाँ पे, और यहाँ पे तीन पॉइंट हासिल करते हुए ऑल आउट करके लगभग 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। और पड़ता हुआ स्कोर एसटीसी बिलासपुर 9 भिलाई 0। और ये इस बार भिलाई की कोशिश बिल्कुल काम आई, थोड़ा सा कमबैक करते हुए यहाँ पे भिलाई कुछ ऐसा ही करना होगा। 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी बिलासपुर के मैदान पे दोनों ही तरफ दौड़ा दौड़ा के पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन खाली हाथी वापस आना जी, खाली हाथी फिर से बिलासपुर चार नंबर की जर्सी, लंबे कद के और फुर्तीले खिलाड़ी चार नंबर जर्सी पे और कंटिन्यू पॉइंट पे जाते हैं, पॉइंट ले जाने में सक्षम हुए अपनी टीम के खाते पे और पॉइंट बढ़ाते हुए जी। बेस्ट ट्रेडर है ये बिलासपुर टीम के, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकते हैं भैया लंबे कद के और फुर्तीले खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लगभग राज्य और राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी है, कुछ कहा नहीं जा सकता दोनों ही टीम के बारे में। और ये फिर से 12 नंबर जर्सी के खिलाड़ी जो अपने पहले रेड पे तो पॉइंट नहीं ले जा पाए थे, लेकिन शायद अब अपनी टीम के खाते पे पॉइंट ले जाए और खाते की तरफ स्कोर बढ़ाए। और ये खाली हाथी वापस जाना पड़ा इसी के साथ, फिर करो या मरो की स्थिति यहाँ पे, डू और टाई का रेड, करो या मरो, या तो पॉइंट लाना होगा या तो पॉइंट गंवाना होगा। बिलाई एक नंबर जर्सी के फुर्तीले ओलंपिक के खिलाड़ी, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और ये करो या मरो की स्थिति, फिर से यहाँ पे सभी टीम के पॉइंट है, तीन पॉइंट। बालिका वर्ग में सभी टीम के कोच मैनेजर या टीम कैप्टन आके फुल पिक्चर ले जाए अपना, है ना, फुल पिक्चर ले जाए, लाइन पर ध्यान देंगे, लाइन कंटिन्यू, लीड पर लीड यहाँ पे बरकरार रखी हुई है बिलासपुर की टीम, उसकी भिलाई कोशिश करती हुई यहाँ पे, लेकिन कोशिश अभी तक नाकाम। और ये दोनों तरफ ही दौड़ा के पॉइंट ले जाने की कोशिश, तीन नंबर जर्सी के भिलाई के खिलाड़ी दोनों ही तरफ दौड़ा दौड़ा के पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंडर भी पॉइंट ले जाने नहीं दे रहे हैं। ये जबरदस्त डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे बिलासपुर की टीम, बिल्कुल भैया बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं यहाँ पे, पॉइंट रोक के रखे हैं। एक मौका भिलाई के भी दमदार है डिफेंडर, चार डिफेंडर के सामने 12 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, चार खिलाड़ी लेकिन यहाँ पे मौका गवाया। और फिर से तीन नंबर जर्सी के खिलाड़ी अपने टीम के खाते पॉइंट ले जाने पहुंचे हैं बिलासपुर के मैदान पे। और यहाँ पे एक मौका, यहाँ पे एक मौका सुपर सेकंड बॉल, बेस एक्शन सेकंड बॉल सुपर, भिलाई चरोदा वर्सेस सुपर टैंक जिला कोरबा, सुपर टैंक का मौका यहाँ पे, यहाँ पे सुपर टैंक का मौका यहाँ पे, लाइन जी हाँ जो लाइन में है पीछे में वो ध्यान देंगे, अगर कोई सेल्फ आउट होता है तो कृपया उसको बाहर खींच ले और निर्णायक को बताएं, लाइन में दोनों तरफ के लाइन में ध्यान देंगे। यहाँ पे निर्णायक महोदय की आंखें बिल्कुल जमी हुई, थोड़ी सी भी आप गलती करोगे तो आपको एक पॉइंट और, यहाँ पे फिर से आल आउट का, यहाँ पे आल आउट के साथ ही आल आउट होता है बिलासपुर के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 18 और 1। और बिलासपुर के खिलाड़ी बड़ी टेक्निक से और टीम स्पिरिट के साथ खेल रहे हैं और पॉइंट रोक के रखे हैं, एक भी पॉइंट ले जाने नहीं दे रहे हैं। एक 18 बहुत, यहाँ पे देखिए 17 पॉइंट का अंतर, यहाँ पे एक पॉइंट अभी तक, एक 19 जी हाँ पॉइंट ले जाना पड़ेगा या तो पॉइंट गंवाना पड़ेगा। दो बार ऑल आउट भी हुई, बिल्कुल भैया लगभग यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा भिलाई के खिलाड़ियों को अपनी टीम के लिए पॉइंट, ये यही करना होगा जी, डिफेंड जबरदस्त, यहाँ पे जबरदस्त डिफेंड, टीम वर्क की कमी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन टीम स्पिरिट जो है भिलाई के पास बहुत ही अच्छा है और बहुत ही तगड़े से खिलाड़ियों को खिलाड़ी खेल रहे हैं अपना गेम। और ये फिर से 12 नंबर जर्सी के बिलासपुर के खिलाड़ी, और ये फिर से मौका दिए 12 नंबर इस बार पॉइंट ले जाने में, इस बार बिल्कुल और अपने खाते में अर्जित करते हुए दो पॉइंट यहां पे लिया। और ये 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी भिलाई, भिलाई को भी पॉइंट लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो अगर इसके बाद फिर एक बार नहीं ले पाएगी तो शायद डू एंड डाई का फिर एक मौका मिल बन सकता है भैया। वो थर्ड रेड होता है, अगर दो रेड खाली जाता है तो तीसरा जो रेड होता है वो डू एंड डाई का रहता है जी। और ये बड़ा ही तगड़ा टीम वर्क देखने को मिला भिलाई के जबरदस्त जी हां, और अपने टीम के बेहतरीन डिफेंस बढ़ाते हुए ना जाऊं, कल रात को मैंने 1 बजे तक प्रो कबड्डी देखी है और कोशिश किया है कि जितना जान सकूं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी नॉलेज लूं।
ये बोनस लाने में सक्षम हुए पांच नंबर जैसे खिलाड़ी। बिल्कुल भैया, आप तो पहले से खिलाड़ी हैं, अभी भी खिलाड़ी हैं और आगे भी खिलाड़ी ही रहेंगे, आप में किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल एक नंबर के जर्सी पे खिलाई किनारी सकती है वहाँ पे। आपको देख के लगता नहीं है भैया कि आप पहले कभी कबड्डी में कमेंट्री किए ना हो, आप करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई। 12 नंबर की जर्सी पे मगर नाकाम फिलाई, थोड़ा कमबैक करती हुई यहाँ पे, लेकिन थोड़ा जोश पे आना पड़ेगा यहाँ पे फिलाई को, क्योंकि अभी पॉइंट जो है वो पांच, अच्छा ये तो पांच 22 में, ये तो फर्स्ट हाफ चल रहा है भैया अभी तक। यहाँ पे कल से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में मैच एक तरफा रहता है और जहाँ सेकंड हाफ आता है मैच पलट जाता है और जो टीम के कम स्कोर रहते हैं वही आगे बढ़ के जीत जाते हैं, ऐसा कल से देखने को मिल रहा है और शायद यही देखने को मिलेगा आगे भी। मैंने देखा कि फिलाई का डिफेंड अच्छा है मगर रीडर पॉइंट लेके नहीं आ पा रहे हैं, डिफेंड तो लाजवाब है। ये देखिए डिफेंडर की पूरी टीम है, पॉइंट ले जाने भी नहीं दे रहे हैं और लेके आ जरूर रहे अपने टीम के लिए। अब बिलासपुर का हर फॉर्मेट में मुझे अभी तक खरा नतीजा मिला है, डिफेंड भी अच्छा है, सभी रीडर रीड करके पॉइंट भी लेके आ रहे हैं, बोनस भी ले रहे हैं, तो उस प्रकार से बिलासपुर की टीम अभी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से यहाँ पे खेल दिखाती हुई। और ये मेरे ख्याल से करो या मरो, या तो पॉइंट लाना पड़ेगा या तो देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये देखिए यही यही चीज यहाँ पे बहुत ही तगड़ा का जो मौका होता है भिलाई की टीम के द्वारा। बिल्कुल चार नंबर जर्सी को बाहर करते हुए बिलासपुर ने खुद टू एंड डाई में तीन बार पॉइंट लिए थे भिलाई के, लेकिन इस बार भिलाई का मौका। और ये मध्यांत टाइम यहाँ पे खत्म होता हुआ पड़ता हुआ स्कोर भिलाई छह और टू सेशन का जो खेल 12 नंबर की जर्सी पे नारी शक्ति जाती हुई भिलाई के मैदान में। जबरदस्त तरीके से देखिए यहाँ पे मौका बनाया यहाँ पे बिलासपुर की टीम में, जबकि मौका बनाना चाहिए था भिलाई की टीम को, लेकिन गवाया मौका। अब जो मैच बड़ा ही तगड़ा और जानदार मैच होगा, सेकंड हाफ चल रहा है यहाँ पे, सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है, फिर से वही लंबी कद की नारी शक्ति चार नंबर की जगह पे बिलासपुर टेक्निकल तरीके से अपना गेम दिखाते हुए चार नंबर के खिलाड़ी। अभी तक कितने बार रीट पे पॉइंट लेके आए हैं लेकिन शायरी का नहीं, डिफेंड पे ज्यादा विश्वास। और ये शायद दो अढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं जी, मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि जान रहे हैं दो अढ़ाई टाइम में पॉइंट, दर्शक दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि अभी स्थानीय टीम का मैच होना है। जिला गोरेला एक से बढ़ के एक खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, बालिका है जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जी जी निश्चित रूप से पॉइंट मिला वहाँ पे, बिल्कुल दो अढ़ाई पॉइंट ले जाने में सक्षम हुए भिलाई के खिलाड़ी अपने खाते पे और पॉइंट डालते हुए स्कोर बढ़ाते हुए भिलाई के खिलाड़ी। बिल्कुल जैसा विश्वास वैसे ही कुछ यहाँ पे करके दिखाया जा रहा है। और ये बोनस ले जाने में सक्षम हुए बिलासपुर के चार नंबर जर्सी लंबे कद के खिलाड़ी और तीन नंबर जर्सी भिलाई के खिलाड़ी बिलासपुर के पाले पे रेड पे कोशिश जरूर करेंगे कि अपनी टीम के खाते पे स्कोर जबरदस्त तरीके से गजब दिया पे बेहतरीन डिफेंस, चारों खान चित्त कर दिया यहाँ पे भिलाई की तीन नंबर की 12 नंबर की जर्सी में बिलासपुर लीड करती हुई। यहाँ पे एक नंबर के जर्सी पे भिलाई ऐसा ही रहेगा तो पूरा फिर से टू एंड आई का जो नजारा आपको देखने को मिलेगा। हमें दर्शकों से चाहूंगा कि कैसे कैसे चेयरअप करें, थोड़ा सा खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें ताली बजा के, तो टू एंड आई का एक मौका इस बार भिलाई के लिए, चाहेगी कि बिल्कुल यहाँ पे एक भी पॉइंट ना दे।
अगर खिलाड़ी पॉइंट नहीं लेता तो निश्चित रूप से वो बाहर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे गजब का डिफेंड, जबरदस्त डिफेंड यहाँ पे भिलाई। यहाँ पे एक मौका बिलासपुर के लिए, यहाँ पर पॉइंट लेके आना पड़ेगा भिलाई की। उधर से कोरबा, दोनों टीम किताबों के तैयार हैं। कंटिन्यू डू एंड आईडी एंड आई का यहाँ पे जो नियम है वो चलता हुआ। यहाँ पे चार नंबर की जर्सी में बिलासपुर भिलाई के मैदान पे, लेकिन वापस स्वागत है यहाँ पे सुशांत गौतम का। और यहाँ पे गजब का डिफेंस, जी हाँ, बिलासपुर का डिफेंस बहुत जबरदस्त, यहाँ पे काफी पॉइंट ले रहा है डिफेंड करके। अगर एक पॉइंट यहाँ पे अगर लेते हैं बिलासपुर तो यहाँ पे सुपर फॉर्म का एक बार मौका बन जाएगा। पुनः वही पुनः डू एंड डाई का मौका, इस बार पॉइंट नहीं देना होगा इस बार भिलाई को। अगर ये वही चार नंबर जैसे के खिलाड़ी लंबे का जी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लेना चाहेंगे, पॉइंट बिल्कुल ले लिया, सक्षम हुए इस साथ एक पॉइंट और उनके पाले में खाते पे पड़ता हुआ। यहाँ पे डिफेंस बहुत जबरदस्त है, मैं बताना चाहूंगा सुपर टेकल ऑन है जी, सुपर टेकल ऑन पे अगर इसको पकड़ेंगे रेडर को तो दो पॉइंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट देते हुए भिलाई के खिलाड़ी फिर से लास्ट पांच मिनट, अंतिम पांच मिनट से जबकि अब बढ़ता हुआ यहाँ पे जो पॉइंट है बिलासपुर का, यहाँ पे लगभग 32 पॉइंट। और डिफेंस, जो डिफेंस मैं बता रहा था सुशांत बिलासपुर का डिफेंस जबरदस्त है, बता दूंगा आपको जी। अंजलि जो हमारे पेंड्रा की जी, मिट्टी से मैट तक का सफर, अंजलि अंजलि राठौर जो कि जी अंजलि राठौर, मतलब जमीन से मैट तक का सफर उन्होंने इन्होंने तय किया और आज इस मुकाम पे है कि खेलो इंडिया खेलों का मेडल भी इन्होंने अपने नाम से नवाजा, अपने माँ बाप का इन्होंने नाम रोशन किया है अंजलि राठौर पद्मवा जी। और शांत गौतम ने खबर भी छापा रहा एक बार। मैं चाहूंगा कि शांत गौतम, मैं बताऊं आपको कि कल जो अपने एपी में जो लाइव वीडियो बनाया था, जितने भी मेरे दोस्तों ने देखा है तो मुझे ये लगा कि हम प्रो कबड्डी में बैठ के मैच देख रहे हैं। बहुत इतना जबरदस्त था वो लाइट का नजारा नाइट का। मैं चाहूंगा आज फिर से आप एक और कोशिश करिएगा। और बिलासपुर की टीम यहाँ पे जबरदस्त डिफेंड करती हुई, अभी ये एक पॉइंट यहाँ पे बेहतरीन। ये चार नंबर के नारी शक्ति ने तो आतंक मचा दिया है यहाँ पे भिलाई के ग्राउंड में। लगभग दो चार बार ही चूक हुआ लेकिन हर बार पॉइंट लेके आया है। और इस प्रकार 36 पॉइंट बिलासपुर जबकि भिलाई 10 पॉइंट जी। अब अंजलि रेड पे जाती हुई पद्मा जबकि आज बिलासपुर से खेल रही है और उनके पिताजी बैठ के ये मैच का लुत्फ उठाते हुए उनका उत्साह वर्णन करते हुए तो बहुत भाग्यशाली है अंजलि के पिताजी और अंजलि, क्योंकि उनको एक ऐसी बेटी मिली जो उनका नाम रोशन कर रही है। और सबसे बड़े फख्र की बात यही होती है उस बेटी के नाम से पिता ऐसे पिता मिले हैं कि जो उनके
मौके हर काम में उनका साथ बकायदे यहाँ पे मौका करो ये हमारे। निश्चित रूप से पॉइंट जो लाना पड़ेगा। यहाँ पे डिफेंस की बात मैं कर रहा था, बिलासपुर का डिफेंस ऐसा है कि एक भी मौका नहीं दे रहा है सुजान, एक भी मौका नहीं दे रहा है भिलाई के खिलाड़ी है यहाँ पर अंजलि पुनः अंजलि रीड पे भिलाई को ये मैच खिताब करने के लिए तो चमत्कार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से लगभग यहाँ भिलाई दस नंबर की जैसे बार बार फ्लिप हो रहे हैं। मैं बता जाऊंगा कि ये स्लिप नहीं हो रहे, ये स्लिप से मारा जाता है पैर को, ऐसा स्लिप किया जाता है, किया जाता है, कभी कभी स्लिप होके पॉइंट भी चला जाता है। ये देखिए डिफेंस की जरूरत नहीं पड़ी, वो पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया खिलाड़ी ने। बिल्कुल आत्मसमर्पण तो नहीं करना चाहिए, कम से कम लड़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे करने वाले को हार नहीं होती, सुपर लीग का मौका यहाँ पे, सुपर टेकल का मौका यहाँ पे नाकाम। जी रेडर आउट दिए गए, सुपर टेकल यहाँ पे पुनः डिफेंस से थोड़ा मार खा रही है यहाँ पे भिलाई, खेल तो अच्छा नहीं है लेकिन डिफेंस अच्छा नहीं हो पा रहा। जैसे कि अभी और एक मौका यहाँ पे लेकिन जबरदस्त डिफेंस यहाँ पे चारों खाने चित्त खिलाड़ी यहाँ पे कि जो भी दर्शक आए हुए हैं ताली बजा के इन हमारी बहनों का स्वागत करें, एक प्रोत्साहन करें, ताली बजा के चारों तरफ से इधर से जो बैठे हुए हमारे दर्शक हैं बड़े छोटे भाई हो सकती है पे भिलाई के लिए जो बड़ा ही खामियाजा हो सकता है। एक नंबर जैसे के खिलाड़ी बिलासपुर के मैदान पे और जबरदस्त यहाँ पे ऑल आउट कर दिया और बिलासपुर के खाते लगभग 45 पॉइंट जो मुझे भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 13 और 45 की स्थिति यहाँ पे जी 13 और 45 जबरदस्त लीड यहाँ बिलासपुर की फिर से 4 नंबर की जर्सी पे बिलासपुर की। लेकिन इस बार कोशिश हमेशा कामयाब होती है। लास्ट एंड फाइनल का भिलाई चरादा वर्सेस जिला फेरबा दोनों टीम के खिलाड़ी अपनी उपस्थिति जबरदस्त भिलाई चरादा जिला फेरबा लास्ट एंड फाइनल का भिलाई चरादा वर्सेस जिला कोरबा 1 मिनट के अंदर अपनी उपस्थिति को देखते थे। भिलाई चरादा वर्सेस जिला कोरबा, भिलाई चरादा वर्सेस जिला कोरबा की टीम जल्द से जल्द मैदान में।